क्या होगा अगर एक सुबह आपका नींद खुले और जब आप अपने चारों तरफ देखें तो नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा कि आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तब आपको ऐसा लगने लगेगा कि यह कोई सपना तो नहीं है। लेकिन अगर यही सपना सच हो जाए तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है कि अगर आसमान से सन यानी कि सूरज ही गायब हो जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर एक घंटे के लिए या फिर एक दिन के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए या फिर एक महीने या एक साल यानी कि 365 दिन के लिए अगर सूरज गायब हो जाएगा तो इस पृथ्वी का क्या होगा? और हम सब मनुष्य, पशु पक्षी, जीवित प्राणी और जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उन सब का आखिर क्या होगा? तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सूरज ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इस धरती को अपने चारों तरफ मूव कराते रहता है। सूरज ही हमारी धरती को ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से कंट्रोल करता है। और अगर वही सूरज इस ब्रह्मांड यानी कि सौरमंडल से गायब हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे अर्थ यानी कि पृथ्वी को कौन कंट्रोल करेगा? ऐसे में हमारा अर्थ इस ब्रह्मांड में कहां खो जाएगा, किसी को पल भर का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सन ही है जो इसे कंट्रोल करके रखता है। और सूरज के गायब होने से सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि बाकी सारे जितने भी ग्रह उपग्रह इस सौरमंडल पर मौजूद हैं वह भी इस अंतरिक्ष में कहां विलुप्त हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अंतरिक्ष में हमारा अर्थ भी बिना किसी कंट्रोल के मूव करते रहेगा और ये सारी चीजें सन के नहीं रहने से होता रहेगा। अगर अंतरिक्ष से सन गायब हो जाएगा तो इसका असर पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सन का लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और सन की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा और आसमान में तारे ही तारे नजर आएंगे और चांद का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि चांद सूरज से लाइट लेकर चमकता है। और अगर सूरज ही नहीं रहेगा तो चांद के चमकने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। और सूरज के गायब होने से सबसे बुरा प्रभाव हमारे इस धरती के पेड़ पौधे पर भी पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से ही जीवित होते हैं। वहीं अगर सूरज 7 दिन तक गायब रहेगा तो जरा सोचिए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा और अर्थ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर चल जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पर तो जल से बर्फ बनता है। और अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा और पानी तरल रूप में नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि जितने भी इंटरनेट से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर जो भी है ये सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज के रोशनी से पावर मिलती थी वो सारे भी ऑफ हो जाएंगे। और दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियों के वाटर हैं ये सब जम जाएंगे और ये सब 20 डिग्री सेल्सियस के चलते ही होगा। और पेड़ पौधे के साथ साथ अब जानवर भी बहुत ही कम बच्चे होंगे, क्योंकि अधिकतर जानवर तो मर चुके होंगे। जरा सोचिए, अगर 7 दिन तक सूरज गायब रहेगा तो इस पृथ्वी का ये हाल होगा। वहीं अगर एक महीना या फिर एक साल तक अगर सूरज नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये हमारे आने वाले लाखों करोड़ों साल बाद होने की संभावना है। तो आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आने वाले कुछ लाखों करोड़ों साल बाद हमारे सूरज का क्या होगा। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। थैंक यू।